तो यार आज के वीडियो में जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रोड साइड रावड़ी और उसका जो रियल नेम है वो है पिचईकरन जिसका मतलब होता है भिखारी। और आज यार इतने सारे कंटेंट के दौर में जहां हम एक फिल्म को पूरा तक नहीं देख पाते वहां इस फिल्म को मैंने 15 से 20 बार देखा। अब ऐसा क्या है क्यों है कि मैंने इस फिल्म को 15 से 20 बार देख लिया इसमें के बारे में हम इस वीडियो में बात। और यार ये फिल्म अगर आप साउथ के फैन हो ना तो आपके लिए एक मस्ट वॉच है। तो आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए ये पूरे वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो नमस्कार भैया, कैसे सब ठीक है ना? और देखिए मेरा नाम है नितेश और मेरा जो काम है वो तो आप सबको पता ही है, कोयले जैसी खान में से हीरे जैसी मूवी को निकालकर आपके सामने पूरा मतलब दिल हिलेगा और एकदम कमर्शियल फिल्में रिकमेंड करता हूँ यार आपके लिए। तो यार इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बता दिया आपको जो कि हिंदी डब में अब अवेलेबल हो चुकी हैं, अभी तक अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर भी, और जहां पे भी वो अवेलेबल है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही हमने साईं पल्लवी की जो नई मूवी आई है उसका भी रिव्यू दे दिया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो यार जैसा कि इस फिल्म का नाम है पिचईकरन जिसका मतलब होता है भिखारी, और यार इस फिल्म में इतना हटके कॉन्सेप्ट यूज किया गया ना, मतलब कि ऐसी मैंने आज तक की कोई भी साउथ फिल्म में नहीं देखी। तो यार ऐसा कौन सा इसमें हटके कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, मतलब ऐसा कौन सा स्टोरी और इसमें प्लॉट यूज किया गया उसके बारे में? तो यार इसमें जो विजय एंथनी है वो है बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत ही बड़े बिजनेस एम्पायर का बेटा जिसके सारा बिजनेस उसकी माँ चलाती है। एक दिन उसकी माँ को इंडस्ट्री में ही एक मशीन से चोट लग जाता है जिसकी वजह से उसकी माँ कोमा में चली जाती है और इस कोमा से उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती। विजय एंथनी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तभी एक साधु उन्हें इशारा करता है पर वो कुछ नहीं मानते। तभी उस साधु उनके पास आता है और उनका हाथ पकड़ के खींच लेता है। तभी एक पेड़ का टुकड़ा ऊपर से गिर के नीचे आ जाता है। विजय एंथनी को उस साधु पर विश्वास हो जाता है। वो उनसे पूछते हैं अपनी माँ के बारे में, तब वो साधु उन्हें बताता है कि अगर तुझे अपनी माँ को ठीक करना है तो तुझे कुछ दिनों के लिए भिखारी बन के रहना होगा जिसमें तू किसी की कोई मदद नहीं ले सकता। विजय एंथनी अपनी माँ से इतना प्यार करती है कि वो इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, वो अपनी माँ को किसी भी हाल में ठीक करना चाहते हैं। तो यार लेकिन जो मेन मजा है ना वो इसके डायरेक्शन में, मतलब एक इतना बड़ा करोड़पति आदमी सीधे से एकदम भीख मांगने लगेगा यार। वो चीज को जो बारीकी को दिखाया ना, वो झिझक को जो दिखाया है कि वो यार भीख मांगने के लिए कैसे रेडी हो जाता है, कैसे लोगों के पास जाकर भीख मांगता है और वो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सब चीजों को जो बारीकी से दिखाया ना वो मतलब एक मास्टरपीस ही कह सकते हैं इसमें। साथ में इस मूवी में फैमिली ड्रामा के साथ साथ उसका भिखारी बनते समय लव स्टोरी भी चालू रहता है और ये एकदम अलग और हटके कॉन्सेप्ट। और इसके लिए जो लव स्टोरी को जो बिल्डअप देने का काम किया ना वो इस फिल्म का जो परफेक्ट बीजीएम है उसने किया है। मतलब जब वो बारिश वाला एपिक सीन आता है ना, जब लड़की उसको पैसे देने जाती है और वो पैसा नहीं लेता है, वापस कर देता है, जब वही पैसा वो लड़की भीख में उसको देती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उस सीन ने मेरा दिल जीत लिया। तो यार कमाल की स्टोरी, स्क्रीन प्ले के साथ साथ इसमें दमदार एक्टिंग और एक बढ़िया ड्रामा देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यार इस फिल्म को तो आपको मिस करना ही नहीं चाहिए। और अब मैं आपको बता दूंगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पे हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगी। पहले उससे ये बता देता हूँ यार कि ये फिल्म मुझे 15 से 20 बार क्यों देखनी पड़ी थी। तो यार ये फिल्म मैंने 2 साल पहले देखा था जब मेरा एक बार इंटरनेट पैक खत्म हो गया था और ये सिर्फ इकलौती फिल्म थी जो मेरे फोन में यूट्यूब में सेव थी। अब तो ये YouTube से हटा दिया गया है मूवी को, अब सिर्फ एक जगह पे ऑफिशियली अवेलेबल है। तो यार ये मूवी मेरे YouTube में डाउनलोड थी तो मैंने यार इस मूवी को 15 से 20 बार रिपीट कर कर देखी और मुझे हर बार उतना ही मजा आता था। और अभी भी यार कभी कभी मैं इस फिल्म का सीन को जाकर देख लेता हूँ, मतलब एकदम मस्त मूवी है। बात करते हैं कि आपको हिंदी डब में कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो अब YouTube पे ये नहीं है, हिंदी डब में सिर्फ ये G5 के एप्लीकेशन पर है, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई भी प्रीमियम चार्जेस नहीं है। यार जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस वीडियो के एंड में आपको और भी कुछ फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो कि हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी हैं। तो यार सबसे पहला फिल्म है खेल पावर का जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है जिसका नाम कथकली है। और हिंदी डब में कहाँ पे अवेलेबल है इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। दूसरी फिल्म है यार ऑक्सीजन जो कि अनऑफिशियली अवेलेबल है, तो इसका भी हमने वीडियो बना दिया कि कहाँ से जाकर देख सकते हो, तो इसको भी देख सकते हो। साथ में यार एक पावर पैक एक्शन मूवी बाबू पान गरम रिवॉल्वर राजा कहां से देख सकते हो हिंदी डब में, वो भी वीडियो बना हुआ है। कुछ मूवियां पाड़ी पाड़ी लेचू मनासु चाणक्य इन इंग्लिश सबटाइटल के साथ उपलब्ध है, तो उसको भी जाकर देख सकते हो। और यार मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। मैं यहाँ पे यार एकदम अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट लाने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ और बहुत सारी मेरी वीडियोज और भी आने वाली है, मतलब आपको एक एक मास्टरपीस जो मूवी आज तक आपको नहीं मिली ना वो भी ढूंढ ढूंढ कर देने वाला हूँ। और साथ में मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको ये हिंदी डब में कहाँ पे मिलेगी या फिर इंग्लिश सबटाइटल के साथ कहाँ पे मिलेगी। मेरे सब्सक्राइबर्स अभी कम है यार, ये मैंने बिल्कुल नहीं छुपाया, मतलब नीचे आप जाके देख सकते हो, अभी भी आपको पता चलेगा 644 या कुछ है अभी पे। और यार बिल्कुल जो भी है ना वो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मतलब इतने लोगों को मैंने अपने साथ जोड़ दिया है।
और यार अगर कोई भी मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहा है ना, तो प्लीज यार नीचे कमेंट करना यार, मुझे जानना है कि आप लोग कौन कौन हो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मतलब यार आपको तो दिल से प्यार है, तो अगर आप देख रहे हो यार तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। बाकी यार आप आगे नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि आपको और किस किस टाइप की मूवी चाहिए, कौन सी मूवी का हिंदी डब चाहिए, और आगे मैं किस किस फिल्म का और रिकमेंडेशन लाऊं। अगर आपने कोई बढ़िया फिल्म देखी है तो उसके बारे में भी बता सकते हो कि यार इस फिल्म का भी रिव्यू कर दो, जिससे आप और जो साउथ वाले भाई हो उनका भी फायदा हो जाए। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, जाकर ये मूवी देख लो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए यार। धन्यवाद।